हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन यूएई सीरीज चल रही है। ये हिंदुस्तानी गर्ल वायरल इन यूएई नेशनल फर्स्ट ऑफ रिलीजन इंडियन रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। तो ये है इंडिया का, इंडियन जो है ना उन लोगों का क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के ऊपर, ये उसके ऊपर वीडियो है। और यूएई की वीडियो चल रही है ये, आप लोगों को पता ही है शोएब दुबई में गया हुआ है, वहाँ पे हमारे मोदी साहब भी गए थे। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं कि इंडियंस का क्या रिएक्शन है पाकिस्तान को लेके। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम यूएई सीरीज चल रही है और बहुत जबरदस्त किस्म की आज की ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि पहली बार शायद देखने को ऐसा मिला है कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिस करते नजर आए। इसी हवाले से हम पब्लिक से बात करेंगे, ओवरऑल यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे बात करेंगे, क्या आने वाले टाइम में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हैं या दूसरे जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे, क्या रिलेशन बेहतर होने वाले हैं, क्या समझते हैं खास तौर पे यूएई और इंडिया के रिलेशन आने वाले टाइम में कैसे होंगे, क्या पाकिस्तान को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, इस पर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। हेलो सर, क्या देख रहे हो? अच्छा अच्छा, आज आपको पता चला ये देखा हाँ, तो आप आए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। कैसे लगते हैं व्लॉग? व्लॉग्स अच्छे रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। और आज जैसे हम देखे कि जैसे इट्स लाइक यूनिटी, डाइवर्सिटी, पीस एंड हार्मनी। सो क्या कहना चाहेंगे आने वाले टाइम में? आपको लगता है कि जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला और शुक्रिया बकायदा तौर पे अदा किया यूएई की गवर्नमेंट का, यूएई के प्रेसिडेंट का, तो और ये भी बोला कि एक अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, तो क्या आपका दिल जीत लिया यूएई ने? ये जो है हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, उनका एक विजन था 1997 में कि पूरे विश्व में शांति रहे, और उन्होंने प्रेयर्स किए थे सबके लिए, फॉर द वर्ल्ड पीस। सो इन द डेजर्ट्स ऑफ शारजा, so that came the prayers fulfilled जबरदस्त ऐसे ही। और इसमें है जो गवर्नमेंट का भी हेल्प रहता है, जैसे द बीएपीएस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो मंदिर है बीएपीएस हिंदू मंदिर, विथ द इंडियन गवर्नमेंट अलोंग विथ द यूएई गवर्नमेंट रिलेशंस विथ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने जो लैंड गिफ्ट किए है, सो दिस इज अ गुड रिलेशंस एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फॉर ह्यूमैनिटी। डेफिनेटली अच्छा लगा बात करके। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो क्या एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, एमरेट्स से रखना नहीं चाहिए। अच्छा। दूसरा तो क्या बोलूं मैं? नहीं सर, हम बिल्कुल चले, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के इवेंट के हवाले से यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि बकायदा तौर पे रिलीजियस प्रैक्टिस करते वो नजर आए इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ओवरऑल यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया को, एक बहुत बड़ा मैसेज नहीं है? मैसेज क्या बोलूं मैं, मैसेज यार। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड हुआ। अच्छा, प्राउड हुआ, अच्छा लगा। ये सब आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। एक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू जी, बिल्कुल जाहरी बात है, हमें यहाँ पे यही चीज सोचनी चाहिए कि कोई भी कंट्री हो, जब तक हम आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, एक दूसरे के साथ हम अपने अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस वी ऑल केम फ्रॉम न्यूजीलैंड, द होल फैमिली। What's about today's event and especially PM Modi's speech? Yeah, it is wonderful. It's a really a harmony between two countries, not only a two country, worldwide it's good for the harmony. One world, one family. One world, one family. ठीक है सर, क्या आप अगर उर्दू और हिंदी अगर बोल सकते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से, खास तौर पे यूएई की गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, तो क्या वाकई में दिल जीत लिया? नहीं, सच्ची बात है, यहाँ के शाह जो है, जो राजा है, उसने सचमुच में अपना दिल से जो किया है वो हिसाब से इंडिया की पब्लिक भी दिल से उसे चाहने लगी है। और रिलेशन कितने बेहतर होंगे? इट विल बी सुपर्ब, द ट्रेड एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट, बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। ओ जबरदस्त, इंशाल्लाह। जी सर, जरूर जरूर। वीडियोस बहुत देखते हैं
रात को मैं यही देखता हूँ सर। मैम को साथ बताया करिए ना, क्यों देखते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है वीडियो में, क्यों नहीं ये भी तो बताया करें, शायद वो भी देखा करें फिर। बिल्कुल, पाकिस्तान ने इंडिया ने जोड़वाने की कोशिश करे थे। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। वो ड्राइवर है ना मेरा, मिला और बोल रहा था कि अपना इंडियन वो पाकिस्तान वो दोनों साथ में खाना खाते हैं इधर। ऐसा ही है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे जो है ये चीजें, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से या कुछ बड़े लोगों पॉलिटिशियंस। हेलो सर, थैंक यू। मैं रोज एक वीडियो तुम्हारा मैं मिस नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी आपकी मिसेज बोल रही थी, मैम अभी बोल रही थी कि भाई मेरे हस्बैंड है वो बहुत आपको देखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज की इस इवेंट के हवाले से, खासतौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की, उन्होंने बोला कि भाई वन वर्ल्ड वन फैमिली। देखो हमारे जो हिंदू हिंदू इसमें है कि वसुधैव कुटुंबकम, मीन्स पूरा दुनिया है वो एक कुटुंब है, एक फैमिली है, तो सब मिलजुल के रहे, तो आपसी एक दूसरे के साथ सब मिलजुल के रहेंगे ना, तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। दुनिया में प्रॉब्लम क्यों, किस वजह से, खुदगर्जी की वजह से। ऐसे ही है, खुदगर्जी निकल जाएगी, दूसरों का अगर आप फायदा सोचोगे तो डेफिनेटली आपका अपना फायदा होगा। हमारे गुरु बोल रहे हैं दूसरे के सुख में अपना सुख है, ठीक है, तो दो वो हम अपने जो सोच वो अपने बेहतर करने की जरूरत है। ऐसे ही अच्छा लगा बात करके, और आइए मजीद भी यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमने हम 5 दिन से पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ बात कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, हमको ऐसा लगने ही तो रहा कि इंडिया पाकिस्तान के लोग अगर आपस में मिले तो बड़े रिलेशन हो सकते हैं। पाकिस्तान के लोग जो जितने भी ड्राइवर हैं बहुत अच्छे, मैंने उनके नंबर भी सेव कर रखे हैं। जबरदस्त गपशप करिएगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड। आई एम मैम, कैसी हैं? आई एम स्ट्रांग फैन ऑफ यू, आई कीप वाचिंग, आई लिव इन दुबई। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी नाइस, यू कीप डूइंग द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग सुहेल भाई। ठीक है सर, आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे, और स्पेशली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक ये चीज, और सेकंडली यूएई के जो गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट है उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दिल जीत लिया। आपने देखा, आपने सुना होगा, सन बिलोंग्स टू होम, विच रिलीजन, नो रिलीजन, करेक्ट, विंड बिलोंग्स टू विच रिलीजन, नो रिलीजन, तो व्हाई शुड वी हैव अ रिलीजन, और व्हाई शुड रिलीजन स्टॉप अवर फ्रेंडशिप? डेफिनेटली, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे इंडियन से पूछूं कि भाई नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, तो आप क्या जवाब? नेशन फर्स्ट, ये चीज है मैम आपके लिए, नेशन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट। मैं तो कहता हूँ सहेल भाई, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ओह, सबसे बड़ी चीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, और डेफिनेटली अगर सच और ईमानदारी के साथ आप ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आदमी सब लोग अच्छे हैं, ठीक है, और सब लोग अच्छे भी है, एंड एवरीबॉडी वांट टू बी फ्रेंडली ओनली। डेफिनेटली, जैसे देखे ना, अगर हम पीस की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग मिले जो हमें जानते थे, जो हमारी वीडियोस देखते थे, और कहीं ना कहीं शायद यही रीजन थी। आज के टाइम पे लाइफ इतना शॉर्ट है, अनसर्टेन है, तो किसके पास टाइम है झगड़ा करने की? जबरदस्त, और जो झगड़े का सोचेगा वो पीछे रह जाएगा, और जिससे झगड़े का सोचेगा वो आगे चला जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से या ओवरऑल? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, देन कम्स योर नेशन, रिलीजन को अपने अपना, दैट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड, यू डू व्हाटएवर यू वांट। प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन किसी के रिलीजन को जरूर रिस्पेक्ट दें। आप रिलीजन को, रिलीजन शुड टेक यू टू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, दिस इज माय मैसेज। जबरदस्त, एनी रिलीजन शुड टेक यू टू बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। And once again, I am an ardent fan of yours. I keep following you. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए, okay ma'am, thank you. Hello. आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। जी जी जी, जरूर सेल्फी लीजिए आप। और देखो, मैं तो बोल रहा हूँ भारत और पाकिस्तान की बहुत गहरी दोस्ती हो, जो पहले का जो मसले है वो सब छोड़ दे। ऐसे इवेंट मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हो, इंडिया पाकिस्तान को लेके ऐसे इवेंट, मतलब ये हमारे वहाँ पे भी बहुत से मंदिर मौजूद हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शरदा पीठ है, इसके अलावा अगर हम बात करें कटास राजा है, हिंगलाज माता, हिंदू हिंगलाज मंदिर है, शारदा पीठ है, तो वहाँ पे भी मंदिर में अगर इस तरह से बड़े मंदिर हो जाएंगे तो भारत के टूरिस्ट आएंगे तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। देखो, ये तो आना जाना होना ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन में होना चाहिए। और सर आप बताएं, आपके लिए नेशन फर्स्ट है और रिलीजन फर्स्ट है? नेशन फर्स्ट है जी, आपके लिए फर्स्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन इज बेस्ड ऑन आवर हार्ट एंड सोल, करेक्ट, हमेशा नेशन फर्स्ट होता है। मैम आपके लिए नेशन फर्स्ट है, ऑलवेज नेशन फर्स्ट। सर आपके लिए नेशन फर्स्ट, नेशन रैंडमली यहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी से ऐसे। मैम आप, अच्छा मैम आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट?
नेशन। आपके लिए मैम? नेशन। आपके लिए सर? ऑब्वियसली नेशन। कोई तो कोई नहीं बोल रहा यहाँ पे। और लेकिन यही चीज जब हम पाकिस्तान की पब्लिक से पूछते हैं, देखे यहाँ पे मोहब्बत की बात करने आया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन ये रियलिटी है कि जब पाकिस्तान से यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% लोगों का जो जवाब होता है वो आप सब सुन चुके हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से बात करके, और ऐसा फील हो रहा था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शायद इस टाइम हम इंडिया में मौजूद हैं। एक बात बताना पाकिस्तानी लोगों के लिए। जी जी, कि पाकिस्तान के लोगों के जो जज्बे वाली बात करते हैं ना, अच्छा, आपके इंटरव्यू जज्बा बहुत, जज्बा तो जो जज्बा है ना वो छोड़ के अमन का रास्ता पे चले, टेक्नोलॉजी पढ़ाई में आगे रहेंगे तो आज दुनिया में, आज भारत के लोग जो आईटी में आगे बढ़े हैं तो उस हिसाब से पाकिस्तान के भी बढ़ेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आगे जाए? अब पूरा पाकिस्तान हो गया है तो उससे जगह, अगर पढ़ाई करेंगे लोग, शोर आएगा उनमें, अवेयरनेस आएगी तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी जरूरत है जो यहाँ पे जितने भी आए ड्राइवर जो, उनमें सही माने में बहुत सारे प्यार से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग यही सोच जोनसी है, मैं समझता हूं उन लोगों का जो एक मैंने एक सोच थी, हम लोग वहाँ से तंग आ गए हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ पे आ गए। और नो डाउट पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये चीजें तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों की सोच जितना पॉसिबल हो सके बदल सके। इस तरह के इवेंट्स पे आने का मकसद भी यही है कि हम सर आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। जितने अच्छा आपका नाम? और आपका नाम? अच्छा बाबू, कहाँ से आप? इंडिया से। जी जरूर, इस जस्ट अ मिनट वेट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से और ओवरऑल जो पूरी दुनिया में एक मैसेज क्या है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सब नेक होना चाहिए, इंसान सबको एक होके यूनिटी के साथ। बस मैम, हेलो, यस आई एम सोहेब। हेलो, कैसी हैं आप? I'm good, how are you? I'm fine. मैम सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। ठीक है, आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया इस इवेंट? It's a heaven on earth. ऐसे इवेंट क्या आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी होने चाहिए? पाकिस्तान में भी बहुत से मंदिर मौजूद हैं, अगर उन्हें प्रॉपर रेनोवेट किया जाए तो इंडिया से बहुत से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाकिस्तान पीपल, यू नो। डेफिनेटली, पहले सबसे पहले तो हमें ये चीज सोचने की जरूरत है, उसके बाद फिर दुनिया में ये मैसेज जाएगा। थैंक यू मैम, इट्स बोथ साइड कंट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, यहाँ से पहल हो, वहाँ से पहल हो, तभी कुछ बेहतरी हो सकती है। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है। हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड। आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? रिलीजन फर्स्ट। ठीक है, आपके लिए सर? क्या चीज, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? एक्चुअली नेशन फर्स्ट। ज्यादातर, अच्छा आपने पहले भी रिलीजन बोला। रिलीजन क्योंकि हम एक बहुत धार्मिक जगह में खड़े हैं, इसलिए ओवरऑल अगर पूछा जाए तो आपके लिए नेशन फर्स्ट। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं इंडियंस हैं, मोस्टली यही कहते नजर आ रहे हैं नेशन फर्स्ट। और मैं ये समझता हूँ शायद इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की जो पोजीशन है उसकी रीजन ही ये है कि उनके लिए अपना जो उनका कंट्री है भारत है वो पहले है। नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। ठीक है सर, नेशन फर्स्ट और नेशन? नेशन, कोई बिल्कुल सोचे बगैर ही, सोचना ही नहीं है। देखिए हमारे बड़े भाई। हेलो सर, नेशन फर्स्ट। और आपका नाम? अकबर। फ्रॉम वेयर? इंडिया। अकबर भाई आप इंडिया से हैं, आप बताएं नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नहीं, रिलीजन के अंदर है कि नेशन को फर्स्ट रखो। ठीक हो गया। हाँ, ये बड़ी टेक्निकल बात की है इन्होंने। नहीं नहीं, ये सर ये वाकई में हमारा मजहब भी यही कहता है कि आप जिस कंट्री में रहते हो उसकी आप बड़ी हिफाजत करो, बड़ा उसकी रिस्पेक्ट करो और उसे अपने पहले रखो। लेकिन ये वो लोग जानते हैं जो एजुकेटेड होंगे, जिन्होंने वाकई में थोड़ा मजहब को भी देखा होगा। अच्छा, आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने काम किया इसके अंदर। अच्छा, आप लोगों ने एज एक मुस्लिम है इंडिया से और इन्होंने ये काम किया? डिजाइन जो अभिषेक मंडप का हुआ है और एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो हम लोगों ने किए। अच्छा, मैंने खुद डिजाइन किया। जबरदस्त। यहाँ पे ब्रह्म विहारी स्वामी ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया था प्रेजेंट करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किए। उनको काम इतना पसंद आया कि शायद आगे भी हम लोग को लेके जाएंगे। आप बता सकता हूँ? इनके अपने स्वामी जी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी और स्वामी जी ने उनको छुमा अपने अपने गाल पे और हक करके उनसे कहा कि ये मेरा बेटा अकबर। अच्छा। मैं जहाँ भी जाऊँ ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, दुनिया का सैर मैं इसको कराऊंगा,
ये मेरा वादा है करके ऐसे बोले, सच यही वर्डिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक हो गया। हम थे सर, हम साथ में थे। तो क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे ही सेम इवेंट अगर लेट्स सपोज दूसरे इस्लामिक कंट्री में होता है, लाइक पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से हूं बेसिकली, पाकिस्तान में भी सेम ऐसा इवेंट होता है तो क्या लगता है टूरिज्म के हवाले से कितना? बहुत सुनते हैं कभी कभी, बहुत शुक्रिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे लोग आए, पाकिस्तान में भी लोग आएंगे अगर ऐसा इवेंट होता है, यहाँ जो वहाँ पे मंदिर है उन्हें रेनोवेट किया जाता है? हाँ, मेरे साथ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैसेज जो है हार्मनी का है, को एग्जिस्टेंस का मैसेज है। तो जब को एग्जिस्टेंस करेगा, प्यार मोहब्बत करेगा, तो फिर लोग तो आएंगे। अब जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आएंगे, शायद वर्शिप के हिसाब से आएंगे, सेकंड आएंगे यहाँ का आर्किटेक्चरल ब्यूटी देखने के लिए, और तीसरे जो यहाँ के जो स्वामी जी है उनको व्यवहार देखने के लिए ये लोग आएंगे। दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन कितना बेहतर होगा और इससे यूएई को कितना फायदा होगा? मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा फायदा है, 100% इसमें तो कोई शक नहीं है। बिकॉज अगर जब आप किसी को कुछ दोगे तो आपको भी सामने वाला देगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात। पाकिस्तान भी हमारा भाईचारा ही रहता है। अच्छा, 100% ऐसे ही है, वो राय नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया जी। हेलो मैम, हाय, आपका नाम? थैंक यू जी, थैंक यू। आपका मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। ठीक है प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? रिलीजन फर्स्ट। ठीक हो गया, ये आपकी ओपिनियन थी सर। अच्छा क्या कहे मैम, क्या कहेंगी आज के इस इवेंट के हवाले से जो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और सेम यही चीज अगर पाकिस्तान में होता है, कोई ऐसा मंदिर रेनोवेट किया जाता है, तो क्या आप आएंगी वहाँ पे? जरूर आएंगे हम। अच्छा, जरूर आएंगे। ठीक है, देश मायने नहीं रखता है, आपस का भाईचारा मायने रखता है, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होनी चाहिए। ऐसे ही है, बहुत अच्छा लगा जी बात करके। मजीद भी बेटा आप बताओ, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। हाँ, नेशन फर्स्ट, चले ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपको पाकिस्तान के टीवी में देखती रहती हूँ। रियल टीवी मैं पाकिस्तान के टीवी में देखती रहती हूँ। वी आर वेरी बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू मैम। इसलिए फैन है क्योंकि बिकॉज आप इंडिया का इतना अच्छी तरह से मजबूती से आप इसका प्रसार करते हैं, एंड देन रियली आई ऑलवेज सी योर चैनल। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगे, एक क्वेश्चन मैं सबसे कर रहा हूँ, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नो, आई से दैट इट इज अ नेशन फर्स्ट, इट जॉइंस अ रिलीजन। जबरदस्त जबरदस्त, ऐसा ही है मोस्टली 90। थैंक यू, बिकॉज नेशन जब होता है रिलीजन अपने आप जुड़ जाता है, ऐसा ही है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियंस, एंड देन इंडिया इज ऑलवेज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। जैसे आज के इवेंट में पीस और हार्मनी को प्रमोट किया गया, पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया। मैं ये समझता हूँ ऐसे इवेंट से दोनों कंट्रीज के ना सिर्फ रिलेशन बेहतर हुए हैं, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन बेहतर हुआ है, और दोनों कंट्रीज के लोगों में रिलेशन में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड देन वी विल बी कीप वॉचिंग यू the future also. Thank you ma'am. Can I take one photograph with you? Sure. Thank you so much. A wonderful program you do always. Thank you ma'am. Thank you so much. धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ, ओह माय गॉड, बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई हैं। मैं देख रहा था मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इम्प्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए। Spiritual leader of BAPS Swaminarayan Sanstha, a global Hindu तो जी बहुत अच्छा वीडियो था, आप लोगों ने देख लिया कितना प्यारा लग रहा था ये व्यू, और मोदी जी का स्पीच कितना अच्छा था, और इंडियंस के जवाब भी आपने सुन लिए होंगे कि हर किसी इंडियन के लिए नेशन फर्स्ट है, ना कि रिलीजन, क्योंकि उनका ये मानना है कि रिलीजन में ही लिखा हुआ है कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस जगह आप रह रहे हो, आप उसको पहले प्यार करो, है ना।
आपका जहाँ जन्म हुआ है, तो नेशन ऑब्वियसली नेशन ही फर्स्ट होगा। और पाकिस्तान वालों का भी रिएक्शन आप लोग देख ही चुके हो इस चीज़ पे क्या होता है, वो हमेशा रिलीजन वो अलग ही चलते हैं, मतलब उनके लिए वर्ड्स ही नहीं है कहने के लिए, वो कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ना समझते हैं ना समझाना चाहते हैं, वो अलग ही धुन में चलते हैं, ना उनको पढ़ाई से लेना देना है, ना किसी मतलब टेक्निकल चीज़ों से उनका कोई वास्ता ही नहीं है, आईटी कंप्यूटर एजुकेशन कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ लड़ाई दंगे फसाद ये चीज़ें, उनका ध्यान ही ऐसा करा हुआ है। तो और इंडियंस का कितना है कि बच्चा बच्चा भी ना बहुत एजुकेटेड, बहुत समझदार, बहुत धैर्य से सुनने वाला, बहुत शांत दिमाग का, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपकी परवरिश कैसी हो रखी है। तो मुझे इस स्टेज पर बहुत अच्छा, सॉरी मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। और ये देखो जब मोदी जी स्पीच दे रहे थे तो सब कैसे शांति से बैठे हुए थे, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई स्पीच देता है और कोई शांति से बैठे, और मोदी जी जब भी स्पीच देते हैं हमेशा हर कोई आराम से बैठ के ही सुनता है। तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप लोग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।